माफियाओं के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ अभियान का चाबुक चला। योगी सरकार ने अभिषेक दीक्षित प्रयागराज को निलंबित करने के बाद आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज की कमान दे दी है। नए एसएसपी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शहर के माफियाओं पर सबसे पहले एक्शन का प्लान बनाया है। एसएसपी के मुताबिक शहर में सुरक्षा का माहौल देना पहली प्राथमिकता होगी और माफियाओं के खिलाफ अच्छे से अभियान चलाया जाएगा। जहां उनके द्वारा माफियाओं के विरुद्ध अभियान के संबंध में दी गई जानकारी, आइए दिखाते हैं जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। खिलाफ 12 संपत्तियों को कुर्क किया जाना था, कल कुछ कार्रवाई हुई थी, आज क्या कार्रवाई हो रही है और इसमें कब तक पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी सभी 12 संपत्तियों को कुर्क करने की? माफियाओं के विरुद्ध जो एक सघन अभियान चला है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और खासतौर से यहाँ पर माफियाओं का दमन करने की जो हमारी मुहिम है उसके क्रम में प्रॉपर्टियों की कुर्की की जा रही है। कल जो है इनकी 5 प्रॉपर्टीज को किया गया है, सीज किया गया है। आज भी प्रॉपर्टी की सीजर की कार्रवाई चल रही है, 3 प्रॉपर्टियां आज भी सीज हुई हैं और हो रही हैं। आगे भी इस पर जो 12 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं जल्दी से जल्दी तुरंत इनके सीजर का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सीजर कर लेंगे। सर, इसके अलावा अतीक अहमद की कुछ संपत्तियों को कुर्क किया जाना था, करीब 20 संपत्तियां चिन्हित थी और एक जो कोल्ड स्टोरेज है झूसी में उसको बुधवार से कुर्क किए जाने की कार्रवाई, खाली कराने की कार्रवाई है, और कब तक सीज किया जाए, क्या कार्रवाई उनके उसमें चल रही है? माफियाओं के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनके विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क किया जाएगा, सीज किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से बनाई हुई सारी प्रॉपर्टियों को सीज करते हुए उनके ऊपर एक्शन लेते हुए एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपराध करके अवैध प्रॉपर्टियों को बना करके गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो प्रॉपर्टी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो कोल्ड स्टोरेज है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी कुछ आलू थे उनको भी निकाल करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी कुर्क है।